हेलो दोस्तों, एवेल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। मरने के बाद जब किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो उसे यूं ही भटकना पड़ता है एक सोल के रूप में, और ये अक्सर बोला जाता है, पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज की हॉन्टेड स्टोरी आप लोगों को कई हद तक बता देगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हॉन्टेड सोसाइटी। दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां काम करना सबका सपना है, और क्यों ना हो, यहां सबसे ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स वर्क करते हैं, और यहीं हॉन्टेड मुकेश मिल की कहानी भी फेमस है। पर यहां थाने में पूरी एक सोसाइटी ही इतनी फेमस है कि वहां लोग फ्लैट लेने से भी डरते हैं। एक छोटे से इंसिडेंट ने इस सोसाइटी को इतना फेमस कर दिया कि कई लोग इसे भूतिया सोसाइटी भी कहते हैं। दरअसल थाने में एक सोसाइटी है जिसका नाम वृंदावन सोसाइटी है। ये सोसाइटी 1984 में बननी स्टार्ट हुई थी और 1990 में बनकर तैयार हो गई थी। यहाँ तक सब कुछ सही था, पर एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इस सोसाइटी का एनवायरनमेंट ही बदल दिया। वृंदावन सोसाइटी में एक फ्लैट 66B जिसमें एक जवान लड़का रहा करता था, उसने एक दिन अचानक बालकोनी से कूद कर अपनी जान दे दी। उस लड़के की मौत का कारण किसी को नहीं पता था, और शायद पता चल भी नहीं सकता था क्योंकि उसने कोई डेथ नोट नहीं छोड़ा था। कई दिनों तक वो फ्लैट 66B बंद रहा, पर आसपास वाले लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, मानो जैसे वो आदमी अपने होने का एहसास दिला रहा हो। आइए पहले बात करते हैं क्या क्या घटनाएं घटी आस पड़ोसियों के साथ। आस पड़ोसियों को फॉलो करती अजीब सी एक फिगर कॉरिडोर में उन्होंने नोटिस की है। बालकोनी की खिड़की में पड़ोसियों को ऐसा लगता था जैसे कोई देख रहा हो। देर आधी रात को 66B की लाइट्स का ऑन ऑफ होना, ये सारी घटनाएं आस पड़ोसियों ने एक्सपीरियंस की जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी। आइए बात करते हैं क्या हुआ जो लोग 66B में रहने आए। कई सालों तक बंद रहने के बाद 66B दोबारा खरीदा गया और उसको खरीदने वाली एक फैमिली थी, पर आते ही अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, जैसे रातों को सोते टाइम अपने आप बेडशीट का पुल ऑफ होना, डोरबेल का बजना पर वहां कोई नहीं होता था, अपने आप घर की लाइट्स का ऑन ऑफ होना, रातों में बिना हवा के डोर्स का ओपन क्लोज होना। ये सब घटनाएं फैमिली का जीना मुश्किल तो कर ही रही थी, पर साथ ही साथ वो स्पिरिट अपने होने का एहसास भी दिला रही थी। फैमिली ने ये भी बताया कि उनके बेडरूम का रूम टेम्परेचर बिना एसी के बहुत ठंडा रहता था, मानो जैसे ठंडी का मौसम सिर्फ एक कमरे में हो। गर्मियों में भी सारे रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था, पर एक ही रूम था जिसका रूम टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता था। इन सब घटनाओं ने 66B को दोबारा क्लोज कर दिया। अब इस डर से तो वहाँ कोई नहीं रहता, पर फ्लैट अवेलेबल है सेल के लिए। ये सब बातें सिर्फ सोसाइटी में या आसपास वालों तक ही थी, पर कुछ ऐसा इंसिडेंट घटा जिसने इस सोसाइटी को फेमस कर दिया और इसके डरावने किस्से यूं ही दुनिया भर में मशहूर हो गए। दरअसल एक रात दो चौकीदार सोसाइटी में पहरा दे रहे थे, तभी अचानक एक चौकीदार को किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ किसी इनविजिबल फोर्स ने मारा था। इस थप्पड़ ने पूरी सोसाइटी में डर का माहौल कर दिया और लोगों को इतना डर लगने लगा कि इन्होंने अपने फ्लैट्स बेचने शुरू कर दिए। इस इंसिडेंट के बाद ये सोसाइटी फेमस हो गई और इस सोसाइटी में फ्लैट घोस्ट हॉन्टिंग्स की वजह से खाली भी हो गए। अब लोगों की माने तो उनके अनुसार यहाँ ये सब उस एक आदमी की आत्मा की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और अपने होने का एहसास वो पूरी सोसाइटी में दिखाती है। आप सभी लोगों का क्या मानना है इस सोसाइटी के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जहां आपको रेगुलर मिस्टीरियस फैक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।